हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं आज बनाने जा रही हूँ कोस्टर। ये एक रेसिन आर्टवर्क है, ये आप घर में भी कर सकते हो, जिसके लिए मैंने लिया है रेसिन और वो मैं मेज़रमेंट करके मिला रही हूँ 2:1। आपको रेसिन लेना है 2 और हार्डनर लेना है 1 और आपको इसे अपने मेज़र करके भी दे सकते हो और आपको अपना एक अच्छा सा अंदाज़ा लगा के डालना है और आप इसे बहुत अच्छे से मिक्स करोगे। मिक्स करने से क्या होगा, इसमें लम्स नहीं बनेंगे। फिर मैंने लिया है एक मोल्ड, वो एक पोस्टर साइज़ का मोल्ड है जिसे मैंने अमेज़ोन से मंगवाया था और मैं ये सारे रेसिन मिक्सचर को उसमें डाल दिया है। अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे ग्लिटर्स। आप कोई भी कलर के ग्लिटर्स ले सकते हो, मैंने गोल्डन कलर और पिंक कलर को ही चुना है। अब मैंने यहाँ पे कोशिश किया है कि मैं कुछ पैटर्न बना दूँ, पर रेसिन को तो अपना ही पैटर्न बनाना है। आप चाहे इसमें कुछ भी पैटर्न बनाने की कोशिश करो, लेकिन रेसिन वर्क में वो कुछ अलग ही हो जाता है। मैंने ये क्रॉस क्रॉस करके देखो बनाने की कोशिश की है। फिर मेरे पास कुछ घर में पड़े थे फ्लावर्स, ये फ्लावर्स आपके रेडीमेड आते हैं और मैंने इसमें से इसके पेटल्स को निकाल लिया और पेटल्स को निकालने के बाद मैंने पोस्टर में लगा दिया और ऊपर से फिर से मैंने एक लेयर रेसिन का लगाया। और अब ये मैं फाइनल लुक आपको दिखाने जा रही हूँ। ये देखो 24 आवर्स के बाद मैंने पोस्टर का जो मोल्ड था उसे हटा दिया है और ये बहुत ही खूबसूरत एक प्यारा सा कोस्टर बन के तैयार है। आप देख सकते हो ये कितना ट्रांसपेरेंट है और ये फ्लावर्स के पेटल बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। आप इसे दिवाली में भी यूज़ कर सकते हो और अपने घर को कम बजट में सजा सकते हो। सो गाइस, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स।